पंडित जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ा विवादों में घिरते दिख रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी पे जो स्टेटमेंट किया है, क्या उससे वाद अभी निकल के आएगा? देखिए, एक राजपूत व्यक्ति हैं वो, और गोरखनाथ टिल्ले के महंत हैं, समझे आप, और विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने जो भी कहा है, मुझे वो स्टेटमेंट बहुत क्लोजली, मैंने उसको फॉलो नहीं कहा। ये पॉसिबल है कि उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया हो, बल्कि योगी आदित्यनाथ जैसा ब्रह्मचारी व्यक्ति, जिसने गोरखनाथ टिल्ले की बचपन से लेके अब तक सेवा की, और विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। ये नहीं कि दो तरह के विद्वान होते हैं, एक धर्म संसद के विद्वान होते हैं, एक स्कूल कॉलेज में पढ़े जाकर पढ़ते हैं, ये दोनों विद्याएं उनके पास हैं। इसलिए मुझे कहीं भी किसी भी तरह का विवाद योगी आदित्यनाथ के जीवन में आता हुआ दिखाई नहीं देता। आप मेरी बात को समझ कर लीजिए। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ आगे आने वाले दिनों में, उनकी कुंडली ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी एक योगियों से कम थोड़ी है, नवरात्रों में 9 दिन का जल निर्जल उपवास रखते हैं, पशुपतिनाथ जाते हैं, हर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, उनका ऑरा, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा आप देखेंगे तो धर्म के साथ जुड़ी हुई भाषा है। आगे आने वाले दिनों में राजमंत्र के माध्यम से मैं एक भविष्यवाणी करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में 15 से 20 सालों में अगर कोई इस राष्ट्र का मुख्यमंत्री साधु बना तो वो योगी आदित्यनाथ होगा। योगी आदित्यनाथ क्या सच में वो पीएम बनेंगे? देखिए, जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उत्तराखंड में पैदा हुआ एक बच्चा जिसने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि वो वैराग्य को प्राप्त करेगा, हिंदुस्तान में जिस तरह की लहर मोदी जी ने चलाई है कि इलाहाबाद को प्रयाग का नाम दिया है और बाकी कितने ही शहरों को उन्होंने नाम बदल, बाला साहब ने ये शुरुआत की थी, बाला साहब का मैं अभिनंदन करता हूँ। ये चीजें बाला साहब ने शुरू की थी। अच्छा। वीटी को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बनाया। हाँ, जी हाँ। और औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाया। बाला साहब ने ये शुरुआत की थी, तो उसका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक है ना? जी हाँ। और डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ इस काबिल हैं कि वो, उनकी जब मैं बहुत अच्छी तरह से कुंडली का अध्ययन करता हूं तो उनको अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में एक कुछ ऐसे समावेश हैं कि कहीं ना कहीं कोई बाजू बैठा हुआ व्यक्ति भी उनके लिए उनको घात कर सकता है। अगर उनको अपना ध्यान रखना है तो अपने सुरक्षा कर्मियों की बात माने, बिल्कुल उनकी अवहेलना मत करें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में उनकी कुंडली में डेफिनेटली देश का संचालन तक लिखा हुआ है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर योगी आदित्यनाथ तक कोई ये बात पहुंचा सकता है कि अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। ये एक ज्योतिषीय सलाह है, वो एक विद्वान, बड़े विद्वान पुरुष हैं, उनको आप सलाह देना, मैं तो ज्योतिष के माध्यम से दे सकता हूँ, क्योंकि इस लाइनेज मेरी ज्योतिष शास्त्र में भी 300-400 साल की हमारी लाइनेज है।